नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम, रेलवे भर्ती परीक्षा 2018। आप सभी को पता है आरआरबी एएलपी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहां पे डाइवर्जन कहां कहां जाना है उनका लिस्ट आ चुका है। साथ में दोस्तों विकल्प फॉर्म भी दिया गया है कुछ आरआरबी चंडीगढ़ के कैंडिडेट को और बाकी बोर्ड के कैंडिडेट्स को भी, जहां पे विकल्प भरना है वहां पे उनको दिया जाएगा जल्दी। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें देखने के बाद दो तीन सवाल उठते हैं कि यार ये मेडिकल दोबारा होगा, मेडिकल अपनी मेल आईडी बंद हो गई है, प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरें, और साथ में सबसे बड़ा सवाल है कि टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स का क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेता हूँ रीमेडिकल होगा या नहीं होगा। दोस्तों जो आरआरबी चंडीगढ़ का विकल्प फॉर्म दिया गया था उसमें एक अंडरटेकिंग ली गई है कि अगर आपका जो पुनः मेडिकल के लिए आप तैयार हैं या नहीं हैं ताकि आपकी उम्मीदवारी सिद्ध की जा सके। तो दोस्तों आपको उसमें हाँ भर देना है, ना नहीं भरना है बिल्कुल, क्योंकि ना भरेंगे तो हो सकता है आपका डाइवर्जन रुक जाए। तो दोस्तों इसको आप लोग हाँ भर दीजिएगा। रीमेडिकल की अगर हम बात कर लें तो ये मैंडेटरी नहीं है कि रीमेडिकल होगा ही। उसमें दोस्तों जो नोटिस आई थी उसमें सिंपल लिखा गया था कि आप आरआरबी को अंडरटेकिंग लेनी है कि अगर रीमेडिकल होता है तो आप लोग मना ना कर सको, तो उस चीज़ के लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और होगा भी अगर रीमेडिकल तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, नॉर्मल ही रीमेडिकल कराया जाएगा रेलवे बोर्ड के द्वारा, क्योंकि आप सभी इवन ऑलरेडी फिट हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही कहीं से जाके आपको CPO और वो आरआरबी में बोलना है कि क्या हमारा रीमेडिकल होगा। वो वही बात हो गई कि साहब हमारे ऊपर बम गिराओगे या नहीं गिराओगे, खुद बताओगे तो साहब गिर भी सकता है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो, रिजल्ट आएगा उस पर क्लियर मेंशन होगा आपका मेडिकल होगा या नहीं होगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं बाकी बोर्ड का रीमेडिकल आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पे आपको डाइवर्जन का विकल्प है, लाइक दो तीन बोर्ड जहाँ पे दो तीन जगह आपका बोर्ड से डाइवर्जन जा रहा है तो वहाँ पे विकल्प फॉर्म तो मैंडेटरी है। हो सकता है ऐसे बोर्ड का विकल्प फॉर्म ना भराया जाए जहाँ से सिर्फ एक ही जगह डाइवर्जन किया जा रहा है, उस केस में उनसे हो सकता है कि मांग भी लें कि आप विकल्प भर दीजिए, या फिर हो सकता है नहीं भी मांगे क्योंकि विकल्प उसमें बचता नहीं है, वो आपको अंडरटेकिंग ले सकते हैं बस आपसे। साथ में बात कर लें दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल आया कि मेल आईडी बंद हो गया है, प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों मेल आईडी बंद हो गया है, आपके पास मेल नहीं रिसीव होगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विकल्प फॉर्म आपके अगर आरआरबी चंडीगढ़ के हैं तो ग्रुप में पड़ा है, अगर अदर बोर्ड के हैं तो अपने बोर्ड के बच्चों से कॉन्टैक्ट में रहिए, आपको आपका फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करिए, किसी भी मेल आईडी से सेंड कर दीजिएगा और साथ में एक कॉपी आप हार्ड कॉपी ले जाके अपने बोर्ड में सबमिट कर दीजिएगा ताकि दोनों चीज़ें आपको हो जाए और आपका डाइवर्जन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अलग मेल आईडी से ही भेजिएगा और साथ में एक हार्ड कॉपी भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है कई बार कि अलग मेल आईडी से दें तो वैलिडेट ना किया जा सके तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दोनों चीज़ कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों अगर ज़्यादा क्लेरिफिकेशन चाहिए तो अपनी आरआरबी में आप बात भी कर सकते हैं। तीसरा एक और डाउट है कि क्या केवल डाइवर्जन वालों का रीमेडिकल होगा या सबका होगा। तो देखो दोस्तों इसमें अभी कुछ भी कह पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि क्या डाइवर्जन वालों का मेडिकल होगा या सबका होगा या किसी का नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अभी शांत दिमाग से रहिए, अपनी मेडिकल के लिए आप प्रिपेयर रहिए। ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल होगा, और होगा तो लगभग सबका ही होगा और नहीं भी हो सकता है कि किसी का भी ना हो, उसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा सवाल टेक्नीशियन कैंडिडेट्स का क्या होगा, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स भी परेशान ना हो, जैसे ALP की आई है टेक्नीशियन का भी आएगा, कितने का आएगा ये बता पाना अभी बिल्कुल मुश्किल है, बट मैक्सिमम कैंडिडेट्स को वो भी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाहे वो NEC के थ्रू करें या दोस्तों जैसे भी करें, डाइवर्जन थोड़ा सा टेक्नीशियन में डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सभी बोर्ड के पास टेक्नीशियन के अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, किसी बोर्ड में अगर ज़्यादा वैकेंसी आएगी तो उनका भी डाइवर्जन होगा। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, ये लीक नोटिस है, कोई ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है, हो सकता है टेक्नीशियन का भी जारी हो गया हो बट लीक ना हुआ हो, तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी आप लोगों को भी देखने को मिल सकता है आउटपुट। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी अगर कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली ख्याल रखिएगा, बाय।